Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा में मस्जिद पर फायरिंग में 5 नमाजी जख्मी। कनाडा मस्जिद में फायरिंग तरावी के वक्त की गई। पुलिस की जानिब से वाकये की तहकीकात जारी। कनाडा में कोरोना वायरस की छठी लहर। छोटे कारोबारों का हुकूमत से मदद का मुतालबा। CFIB का कहना है कि टैक्स की अदायगियों में दुश्वारी का सामना है। इंसानी बहरान से निपटने के लिए कैनेडियन फौजी यूक्रेन रवाना। 100 फौजियों को पोलैंड रवाना किया गया है। कनाडा की नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि यूक्रेन में रूसी जारहियत को नस्लकुशी करार दिया जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज और हंगामे। घिनौनी मुहिम के खिलाफ स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान सरापा एहतजाज। मुजाहिरों में शरीक मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन में कोरोना की नई लहर में 3 अफराद हलाक। हलाक होने वाले 3 अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग जारी। रूस की यूक्रेनी दारुलहुकूमत कीफ पर बमबारी। अमरीका से असला लाने वाला तैयारा तबाह करने का दावा। खारकीफ रीजन में भी रूसी और यूक्रेनी फोर्सेज में शदीद लड़ाई जारी है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की? तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स With Allstate। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिल एतमाद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। कनाडा के शहर टोरंटो में एक मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 नमाजी जख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के इलाके टोरंटो में एक मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 नमाजी जख्मी हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक टोरंटो की मस्जिद में उस वक्त फायरिंग की गई जब वहाँ इशा की नमाज के बाद शहरी निकल रहे थे। फायरिंग से 5 नमाजी जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान डेविड ब्रेडजिक ने बताया कि मुसल्ला शख्स ने मस्जिद से बाहर निकलने वाले नमाजियों के एक ग्रुप पर फायरिंग की और फरार हो गया। अभी ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हमला आवर मुलजिमान की तादाद कितनी थी। डेविड ब्रेडजिक ने मजीद कहा कि जख्मियों को मजहबी अकायद की वजह से निशाना बनाया गया या कोई जाती रंजिश थी, इसका तायुन करना अभी बाकी है। दूसरी जानिब मुस्लिम एसोसिएशन बोर्ड के मेंबर नदीम शेख ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि हमला आवरों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। कनाडा में छोटे कारोबारी मालकान ने वफाकी वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त की है कि वो अपने वबा से मुतालिक कर्जों की अदायगी में मजीद मदद पर गौर करें। इस हवाले से मजीद जानते हैं। छोटे कारोबारी मालकान ने वफाकी वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त की है कि वो अपने वबा से मुतालिक कर्जों की अदायगी में मजीद मदद पर गौर करें, क्योंकि COVID-19 की छठी लहर सार्फीन को घर रहने और फरोख में कमी का सबब बनती है। इस दरख्वास्त का वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को हालिया दिनों में बजट के बाद के क्रॉस कंट्री दौरे के दौरान बार बार सामना करना पड़ा। उनका रद्द अमल ये रहा कि बहरान के गुजरने, मईशत तेज होने और हुकूमत को अपनी मालियाती पट्टी सख्त करने की जरूरत के साथ
हंगामी इकदामात की जरूरत नहीं है। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस के सदर डैन केली ने कहा कि सूबों की जानिब से सेहत आमा की पाबंदियां खत्म करने के बावजूद महसूलात पर असरात और कर्जों की अदायगी की सलाहियत के बारे में मजीद परेशान है। बजट में एमरजेंसी बेनिफिट प्रोग्रामों में मजीद तौसी शामिल नहीं है जो 7 मई को इख्तिताम पजीर होंगे, लेकिन फ्रीलैंड ने वेबिनार पर मौजूद लोगों से कहा, मैंने आपको सुना है, जब उनसे कर्जों से निजात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक लम्हे बाद मजीद कहा, आइए बात करते रहें। CFIB के अराकीन ने औसतन वबा से मुतालिक कर्जों में $1,60,000 लिए हैं और इसमें से तकरीबन $60,000 एक अहम वफाकी कर्ज प्रोग्राम से लिए गए हैं। हुकूमत ने December 2023 को इन कर्जों की अदायगी की आखिरी तारीख मुकर्रर की है, जिसमें एक हिस्सा मुआफ करने पर 0% और फायदा होगा। हालांकि बहुत से छोटे कारोबारी मालिकान का ख्याल है कि उन्हें अदायगियों के मुतहम्मिल होने के लिए 2024 तक की जरूरत होगी। बजट में कैली ने जो एक मुस्बत देखा वो छोटे कारोबारी इदारों के लिए टैक्स की कम शरह से फायदा उठाने की हद बढ़ाने का वादा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि छोटी कंपनियों को तरक्की करने के लिए अदम हौसला अफजाई को खत्म करना चाहिए। कैनेडियन फौजियों को यूरोप में इंसानी बहरान से निपटने के लिए रवाना कर दिया गया। ये फौजी कैनेडा के मेडिकल यूनिट के साथ 2 माह के मिशन पर पोलैंड की इलाकाई दिफाई फोर्स की मदद करने वाले हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फौजियों को यूरोप में इंसानी बहरान से निपटने के लिए रवाना कर दिया गया। तकरीबन 80 फौजियों को एडमिंटन से और 20 को ट्रिंटन ऑन्टेरियो से रवाना किया गया। दर्जनों कैनेडियन फौजी एक हवाई जहाज में पोलैंड के लिए रवाना हुए। उनके कमांडर ने कहा कि रूसी जहरियत से फरार होने वाले यूक्रेनियों की मदद के लिए ये एक सख्त लेकिन खुशकुन मिशन होगा। पूरे पोलैंड में इस्तकबालिया मराकज में इंसानी इमदाद में हिस्सा लेंगे। ये फौजी कैनेडा के मेडिकल यूनिट के साथ 2 माह के मिशन पर पोलैंड की इलाकाई दिफाई फोर्स की मदद करने वाले हैं। कमांडर का कहना था कि हमारे फौजी तैनात होने पर बेहद खुश हैं। ये वही हैं जिसके लिए हमने तरबियत दी है, इसीलिए हम ये काम करते हैं। हमारे सिपाही वहां जाने के लिए तैयार हैं और तब्दीली के लिए लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। कमांडर प्रिडमोर ने कहा, हमारे पास रूहानी रहनुमाई और साथ ही साथ कुछ जहनी सेहत के पेशावर अफराद हैं जो पनह गुजीनों के इस्तकबालिया मराकज में पहुंचते हैं, जो पहले अफगानिस्तान और कुवैत में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इससे कबल नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कैलगरी में कहा कि रूस के कब्जे कौंसल कुशी करार देना चाहिए, जैसा कि अमरीकी सदर जो बाइडन और वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, चूंकि हजारों यूक्रेनियों को कत्ल और बर्बरियत का निशाना बनाया गया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि ओटावा यूक्रेन में जिनसी तशद्दुद के मुतासिरीन के लिए इंसाफ की पैरवी करेगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और हंगामों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और हंगामों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्वीडन में मुसलमान दुश्मन इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से कुरान पाक के नुस्खे जलाए जाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में हंगामे और एहतजाज का सिलसिला जारी है। दाएं बाजू के मुसलमान दुश्मन तंजीम ने स्वीडन में एक मुहिम का आगाज किया है, जिसमें कुरान पाक के नुस्खे जलाए जा रहे हैं। इस घिनौनी मुहिम के खिलाफ स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ गुज़िश्ता 4 रोज से जारी एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहरीन में झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हंगामों के दौरान बस समेत बहुत सी गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने 30 से ज्यादा मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ईरान और इराक ने स्वीडन के सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया, जबकि सऊदी अरब ने इस मकरूह वाक़े की मजम्मत की है। चीन के शहर शंघाई में कोरोना की नई लहर से 3 अफराद हलाक हो गए। शंघाई में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च से लॉकडाउन नाफिज है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। चीन में कोविड की नई लहर के बायस 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के शहर शंघाई में कोरोना की नई लहर से 3 अफराद हलाक हो गए। शंघाई में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च से लॉकडाउन नाफिज है। शंघाई के कमीशन बराए सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की नई लहर में हलाक होने वाले 3 अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और उनकी उम्र 89 से 91 साल के दरमियान थी। हुकाम के मुताबिक शंघाई में 60 साल की उम्र से जायद सिर्फ 38% अफराद में कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग जारी है। रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के बाद दारुलहुकूमत कीव पर बमबारी शुरू कर दी। रूसी फोर्सेस ने अमेरिका से असलाह लेकर आने वाला यूक्रेनी ट्रांसपोर्ट तैयारा भी तबाह करने का दावा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
روس نے ماریوپول پر قبضے کے بعد دارالحکومت کیف پر بمباری شروع کر دی۔ روسی فورسز نے امریکہ سے اسلحہ لے کر آنے والا یوکرینی ٹرانسپورٹ طیارہ بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس نے ماریوپول شہر پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ یوکرین نے کہا ہے کہ شہر میں موجود اس کے فوجی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ کئی ہفتوں کے بعد دارالحکومت کیف میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ روس نے اوڈیسا شہر کے قریب یوکرین کا ٹرانسپورٹ طیارہ گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس وزارت دفاع کے مطابق طیارہ امریکہ اور مغربی ممالک سے اسلحے کی کھیپ لے کر آ رہا تھا۔ خارکیف ریجن میں بھی روسی اور یوکرینی فورسز میں شدید لڑائی جاری ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.